साल 2023 के आखिरी दिनों में भी हो रहा है गौतम अडानी का जिक्र, और इसकी वजह है उनकी ग्रीन एनर्जी से जुड़ी कंपनी में निवेश की प्लानिंग। गौतम अडानी और उनके परिवार अडानी ग्रुप की इस रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अडानी ग्रीन में $1 बिलियन का निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अपनी डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए फंड जुटाने के लिए कंपनी के फाउंडर को प्रेफरेंशियल शेयर्स जारी करने पर विचार कर रहे हैं। कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में स्टॉक एक्सचेंज को ये जानकारी दी कि फंड जुटाने के लिए 26 दिसंबर साल 2023 को कंपनी के बोर्ड की बैठक होगी। आपको बता दें कि अडानी ग्रीन एनर्जी की अगले साल यानी साल 2024 में 1.2 बिलियन की बॉन्ड मैच्योर हो जाएगी और कंपनी ने इसकी फाइनेंसिंग प्लानिंग की तैयारी भी अभी से शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अडानी ग्रीन एनर्जी में 21 दिसंबर साल 2023 के वर्किंग डे में जोरदार तेजी देखने को मिली और स्टॉक 6.68% यानी 97 रुपीज के उछाल के साथ 1549 रुपीज तक पहुँचा। हालांकि स्टॉक 4.64% के उछाल के साथ 1519 रुपए पर क्लोज हुआ। देखिए, इस साल यानी साल 2023 जनवरी में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रीन एनर्जी का स्टॉक 23 जनवरी साल 2023 के 1932 रुपीज के लेवल से घटकर 28 फरवरी साल 2023 को 439 रुपीज तक जा लुढ़का था, लेकिन निचले लेवल से स्टॉक ने 2.46% की रिकवरी दिखाई और अब स्टॉक 1519 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग के आरोपों को लेकर सेबी की जांच रिपोर्ट जमा कराने के बाद सुनवाई को पूरी कर फैसले को रिजर्व रखा हुआ है, और फैसले को रिजर्व रखने के बाद से अडानी ग्रुप के सभी शेयर्स में तेजी देखने को मिली है, जिसमें अडानी ग्रीन एनर्जी का स्टॉक भी शामिल है। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में अडानी ग्रीन एनर्जी दिग्गज कंपनियों में से एक है। कंपनी ने साल 2030 तक 45 गीगावाट ग्रीन एनर्जी के प्रोडक्शन के लक्ष्य लेकर चल रही है। अब देखना ये है कि इसे पूरा करने में वो सफल होंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइव को अभी सब्सक्राइब कर लें।